मऊ जिले के रघुनाथपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 45 वर्षीय व्यक्ति असलम को भोर में सोते समय किसी अज्ञात ने सिर में गोली मार दी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतक की बहू ने बताया कि सुबह भोर में पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद हमने घर में इधर उधर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सारा मामला सुबह में उस वक्त समझ में आया जब अपने ससुर को जगाने गए तो देखा कि ससुर के सिर से खून बह रहा है। वही पटाखे जैसे पटाखा जैसे आवाज़ 4:45 बजे तकरीबन आई थी, तो मैं सोई थी, आवाज़ सुनकर उठ गई और जब उठी तो मैं पूरा इसे तलाश करी, इसमें भी जाके पर्दा हटा कर यहाँ से कि कोई बल्ब बल्ब नहीं ना फूटा है या आवाज न गई, क्योंकि तार नहीं जल रहा, महक थी, महक पटाखा जैसी थी, आवाज़ बहुत भयानक थी। पर मुझे ये नहीं समझ में कि क्या, फिर मैं समझी कि बाहर बच्चे लोग हो सकता है कि पटाखा वगैरह फोड़े हुए। तकरीबन घड़ी देखी थी 4:45 लगभग था। फिर क्या हुआ? फिर बस मैं सो गई थी, फिर भी मेरी घबराहट थी, फिर मैं उसी तरह सो गई। फिर उठी जब उनको उठाने के लिए 8:30 बजे तो आवाज़ ही नहीं दे रहे, उठा रहे पीट रहे, ऐसे आवाज़ दे रहे, नहीं उठ रहे। फिर उसके बाद पर्दा हटा के देखा, उसको दिखा रहे जो मेरी नंद है, तो देखो वो कहाँ है, अब वो क्यों आवाज़ नहीं देखे तो पड़े हैं। सर में लगी है? हाँ, यहाँ पे एकदम पूरा खून था। बता दें कि मृतक रात में खिड़की के पास सो रहे थे और किसी अज्ञात ने खिड़की से ही मृतक को गोली मारी है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बसपा के प्रदेश सचिव अब्बास अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रदेश में अपराधियों की सरकार है। अब्बास ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था में फेल बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। अपराध बढ़ा इसलिए है क्योंकि अपराधियों की सरकार है। प्रदेश से लेकर के देश का जो मुखिया है वो कोई नया ऐसा नहीं है जो आप या हम जहाँ जानते हैं, तो इसलिए अपराध और अपराधियों का इस टाइम मनोबल बढ़ा हुआ है बेइंतहा, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों किसी भी तरीके से कहीं से भी इतना मजबूती से फैसले नहीं ले पा रहा है जिनकी वजह से अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। आज की जो घटना है ये बड़ी दुखद घटना है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि एक सोते हुए इंसान को घर में गोली मार दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विभाग की टीमें पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज आई के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।